नमस्कार, श्री एन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक संतोष पारेख। अब रुख करेंगे खबरों की ओर। सभी अखाड़ों के संत महापुरुषों ने मेलाधिकारी के साथ छिजरवाला के जंगलों में जाकर धर्म ध्वजा के लिए लकड़ी का चयन किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि धर्म ध्वजा की स्थापना अखाड़ों की परंपराओं का मुख्य हिस्सा है। धर्मध्वजा स्थापना से ही कुंभ मेले का शुभारंभ हो जाता है। उसका चयन किया जा रहा है, इन पे आज निशानदेही भी हो गई है और इसको उचित समय पे जैसा हमें बताया जाएगा उस समय पे यहाँ से इसका हम धुलान करते हुए, इसका कटान करते हुए, इनको अखाड़ों में जो भी परंपराएं रहती हैं उन सबका पालन करते हुए पहुँचा है। कितना प्रमुख मानते हैं, क्योंकि लंबे समय से इनका चयन की प्रक्रिया भी मेला प्रशासन कर रहा था और आज ये फाइनल भी हो गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसकी सिंबॉलिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है और इसके बाद से एक तरह से माना जाता है कि शुरुआत एक तरह से मेले की हो गई है, तो बहुत ही अहम कदम उस ओर है और मैं खुद भी चाहता था कि मैं इसमें शामिल रहूं, इसीलिए मैंने पहले से तय किया था कि यहां पे रहना अच्छा। सर, आज के दिन जैसे ये लकड़ियाँ हैं इतनी बड़ी हैं, प्रशासन के लिए चुनौती नहीं होगी इतनी दूर तक लेके जाना? मुझे लगता है थोड़ा सा, मुझे लगता है जहाँ तक इसकी कार्टेज की बात है, जहाँ तक ले जाना होगा उसमें हल्का फुल्का थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसमें ट्रैफिक पुलिस से बात करके, फॉरेस्ट से बात करके और ऐसे आर्स में हम ले जाएंगे जब पब्लिक को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। महाकुंभ 2021 के आयोजन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारी भरकम शर्तें लगाने के विरुद्ध प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने डमरू बजाकर विरोध किया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंघल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कुंभ मेला नाम ही हिंदू समुदाय की विश्वव्यापी पहचान है। यह हिंदू पर्व ही संस्कृति, आध्यात्मिक श्रद्धा और आस्था का महापर्व है। कुंभ मेले पर भारी भरकम गाइडलाइंस लागू कर दी जाएंगी तो हरिद्वार का व्यापारी और व्यापार पंगु हो जाएगा। उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से जिला महामंत्री होने के कारण मैं एक प्रदर्शन रखा यहाँ पे हरिद्वार के व्यापारियों ने, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के, जो सरकार की गाइडलाइन आ रही है, जो रोज हम न्यूज पेपर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कोविड की जांच, 72 घंटे की जांच और आपका ये बार कोड की जांच, आज इनके दुनियाल जी का बयान आ रखा है, रोज स्टेटमेंट आ रहे हैं सरकार के नए, तो व्यापार चलेगा कहाँ से? फिर ये कुंभ मेले का ड्रामा क्यों रचा जा रहा है, ये पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है? जब वैक्सीन आ गई है तो हरिद्वार में ही कोरोना हो रहा है और कहीं कोरोना नहीं हो रहा। गाजी बॉर्डर पे कोरोना नहीं है, किसानों के धरने में कोरोना नहीं है, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग है ना कुछ है। जब वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन लगाओ ना, स्टेशनों पे उसके काउंटर लगाओ, बस अड्डों पे लगाओ, बॉर्डरों पे लगाओ, हर की बेड़ी पे लगाओ काउंटर, वैक्सीन लगाओ ना श्रद्धालु के। बताइए, मैं डॉक्टर नीरज सिंघल, जिलाध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड हरिद्वार। मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है, SOP जारी करी कुंभ मेले के लिए, वो गलत की है। आप देखिए 22 मार्च से हरिद्वार का व्यापार पूरी तरह ठप है। अब पूरी उम्मीद कुंभ मेले से व्यापारी हो जगी थी कि कुंभ मेला आएगा तो अपने झूले जलेंगे, कुछ काम चलेगा। इसके ऊपर भी केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके साथ ही तो यात्री आएगा ही, आएगा नहीं तो कुंभ मेला होगा नहीं, कुंभ मेला होगा नहीं जब यात्री नहीं आएगा तो दुकानें कैसे चलेंगी। 22 मार्च से व्यापारी भूखमरी के कागार पे, भाई साहब बिल्कुल स्थिति बहुत खराब है। लाल किले पर तिरंगे की जगह दूसरा झंडा लगाने के विरोध में उन लोगों का विरोध करते हुए अलवर रोड से पुराने बस स्टैंड और तक विरोध रैली निकाली गई। रैली के दौरान युवाओं के हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय आदि देशभक्ति के नारे लगाए गए। बहरोड़ उपखंड के गुर्जरवास गांव के पास नदी में हर वर्ष की भांति ऊंट और घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिजनौर में बड़ा हादसा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बसों में टक्कर। बिजनौर किरतपुर रोड पर दो बसों की आमने सामने की टक्कर में एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए। एक बस में लगी आग, 9 लोग सामान्य रूप से झुलसे, दोनों ड्राइवरों को किया गया हायर सेंटर रेफर। मौके पर DM, SP सहित पुलिस बल मौजूद। 14 फरवरी को पंजाब में होने जा रहे नगर कौंसिल मतदान को लेकर राजनीतिक पार्टियों की बड़ी हलचल। नाभा में 23 वार्डों में नगर कौंसिल मतदान को लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसौत की तरफ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के हक में चयन प्रचार शुरू किया। साधु सिंह धर्मसौत ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर मतदान लड़कर भारी बहुमत के साथ जीत प्राप्त करेंगे।
सूरतपुर में पंचायत भवन की जमीन से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने हटवाया अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने के लिए आज मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा व कोतवाली प्रभारी राजीव यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण को जेसीबी के द्वारा ध्वस्त करवाकर पंचायत घर की जमीन अवैध निर्माण कार्यों से मुक्त करवाई गई, जिस पर पंचायत का निर्माण कार्य शुरू करवाया जा रहा है। क्या मामला था ये जो अतिक्रमण हटाया गया इस पर? देखिए, गांव सूरतपुर थाना जंक्शन चौकी लाड़पुर के अंतर्गत जो पंचायत भवन की भूमि थी उस पर कई सालों से अवैध कब्जा किया हुआ गया था। जो अवैध कब्जाधारी हैं इनको कई बार समझाया गया और इनको वक्त भी दिया गया कि अवैध कब्जा अपना हटा लें ताकि पंचायत घर का कार्य या अविलंब रूप से शुरू किया जा सके। उसके बावजूद भी इन्होंने अपना अवैध कब्जा नहीं हटाया और उसी क्रम में आज प्रशासन और पुलिस और विकास की टीम ने मिलकर उस अवैध कब्जे को हटवाया है और कल से ही यहां पर पंचायत घर का निर्माण कार्य तत्काल रूप से प्रारंभ किया जाएगा। बिजनौर के चांदपुर में चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। अज्ञात चोर रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल लेकर हुए फरार। पीड़ित ने थाना कोतवाली चांदपुर में तहरीर देकर अज्ञात चोर को पकड़ने की मांग की। बुलेटिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें 3N न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।